जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से यह प्रार्थना भी करते हैं। दोस्तों, यों तो आप सभी जानते हैं कि पूजा पाठ केवल भक्ति का विषय है, प्रेम का विषय है कि आप कितने प्रेम से अपनी भक्ति में रुचि लेते हैं। परंतु फिर भी एक व्यक्ति के लिए एक होती है साधारण पूजा और एक होती है विधिवत पूजा। यदि हम किसी भी कार्य को विधिवत करते हैं तो उसमें हमें भी प्रसन्नता मिलती है और हमारे विचार में सदा यह बना रहता है कि यह प्रक्रिया मैंने अपने तरीके से की है और इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। दूसरे, विधिवत पूजा जब हम करते हैं तो हमें धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे मंत्र भी याद होने लग जाते हैं। दोस्तों, विद्या ग्रहण करना मनुष्य का पहला स्वभाव है। यह केवल प्रवृत्ति मनुष्यों में ही पाई जाती है, पशु पक्षियों में थोड़े ही ना पाई जाती है। इसीलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वैसे तो आप कभी भी करें, जब भी पूजा करते हैं तो विधिवत करें, लेकिन नवरात्रि जो आ रही हैं इसमें हम माँ दुर्गे का आवाहन कैसे करें। सबसे पहले आप किसी की भी पूजा करते हैं अपनी चौकी लगाएं और जिस देव की पूजा करनी है, माँ दुर्गे की पूजा करनी है, तो सामने माँ दुर्गे की अपनी फोटो लगाएं और उसके सामने एक थाली में अपना थोड़ा चावल डाल के गणेश जी की स्थापना कर दें। बस दोस्तों, यह तो होती है अपनी पूजा की शुरुआत। यूँ तो ये बहुत लंबा विषय है, परंतु आप थोड़ा थोड़ा ही सीख लेंगे तो काम बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने माँ दुर्गा का आवाहन कैसे करें। दोस्तों, बिना निमंत्रण के, बिना आवाहन के यदि हम किसी साधारण पुरुष को भी बुलाएं तो वह भी नहीं आता है। साधारण व्यक्ति ही नहीं आता हमारे घर पे बिना निमंत्रण के, तो फिर देव कैसे आएंगे। इसलिए इनका आवाहन करना बहुत जरूरी है और यदि हम इनका विधिवत आवाहन कर लेते हैं तो फिर हमारे कार्य भी अच्छी प्रकार से बनने लग जाते हैं और हमें भी संतुष्टि खुशी प्रदान होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम माँ दुर्गे के आवाहन मंत्र को जान लेते हैं। हाथ में थोड़े से पुष्प रख करके और आपने माँ दुर्गे का जिस मंत्र से आवाहन करना है वह मैं बोल देता हूँ और उसके साथ में आप इसे याद कर लेना और याद करके आप भी इस प्रकार से बोल दिया करो। थोड़ी सी बस सावधानी रखा करें कि मंत्र का स्पष्ट उच्चारण क्या करें। हाथ में पुष्प रख लें। आगच्छत् त्वं महादेवी स्थाने च अत्र स्थिरा भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवीम आवाहयामि आवाहनार्थे पुष्पांजलिम समर्पयामि। पुष्प को माँ के चरणों में छोड़ दें। बस दोस्तों, इतना कर लेंगे तो समझ लेना माँ अति प्रसन्न होंगी, आपकी पूजा में अवश्य आएंगी और अविष्ट फल प्रदान करेंगी। इसे जब भी पूजा करें तब बोल दिया करें। एक एक मंत्र मैं आपको रोज बताता रहता हूँ। एक का अर्थ है आप एक के ऊपर एक याद करेंगे तो सीढ़ी बनती चली जाएगी और आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। यदि एक साथ आपको 10 मंत्र बता दिए जाएं तो आपको एक भी मंत्र याद करने का मन नहीं करेगा। अच्छा है, इसे याद करें और अपने काम में आगे बढ़ें।
अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।